हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुजान सिंह, स्वागत है आपको अलचान व्लॉग्स में। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको विजिट कराने वाला हूँ ब्रिज नंबर 34 और रिंग रोड जम्मू का है ये। आगे सारी इस वीडियो में डिटेल शेयर करूँगा मैं आपके साथ कि आखिरकार काम कैसा चल रहा है और कितना अपडेट वहाँ तक हुआ और कितनी डिफ़िकल्टी वहाँ पर कंपनीज़ को आ रही है। वो सारी बातें इस वीडियो में आगे डिस्कशन होंगी और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जल ही जीवन है, तो जल ही की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और साथ में ये मैं आपको 34 ब्रिज जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं उसके सारे व्यूज़ आपको कंटिन्यू करवा देता हूँ कि आखिरकार व्यूज़ कैसे हैं और कैसे काम चल रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पानी बहुत ज़्यादा निकला और पानी के बीच में पिलर्स, एक पिलर खड़ा हुआ है, शायद दूसरा भी उसके साथ खड़ा होगा अभी। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके का काम हुआ है। और यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस कारण जब भी कंपनियां काम करती हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है और पानी नीचे से निकलता है। और साथ में बारिशें भी कुछ हुई थी, उसकी वजह से भी यहां पे पानी भरा हुआ था। अगर बात की जाए 34 ब्रिज नंबर की, तो यहां पे गायत्री कंपनी जो है वो पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और अच्छा काम, जिसको मैं बोल सकता हूँ। मैं पीछे से आपको कंटिन्यू करवा के लाया हूँ कि कितने ब्रिज कहाँ पे कितना काम हो रहा है। और ये 34 ब्रिज नंबर है जिसमें लगता है मुझे कि आने वाले फ्यूचर में काम बहुत ज़्यादा काम करने को है, क्योंकि इस पर अगर यहाँ के स्ट्रक्चर देखोगे तो रोडों के दोनों साइड में ब्रिज के जो बेस हैं वो बन चुके हैं, बट जो पिलर बीच में बनने हैं उसमें अभी काफ़ी टाइम लगने। और दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है ये पानी। और ये पानी जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक कंस्ट्रक्शन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। तो कुछ मशीनरी भी यहाँ पे काम कर रही है धीरे धीरे करके। और यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ, जिसको मैं बोल सकता हूँ। मैंने इनसे जब परमिशन ली तो इन्होंने बड़े इजीली तरीके से मुझे अलाउ किया और मैं अभी ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। कुछ बात कंपनी के जो यहाँ पे जो कंसर्न काम करने वाले लोग हैं उनसे भी बात करूँगा मैं, और सारी डिस्कशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि आखिरकार 34 ब्रिज नंबर की कितना काम हुआ है और कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये व्यू जो मैंने आपको कंटिन्यू कराए, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ हमारे जो यहाँ पे कंसर्न जो डिपार्टमेंटली जो काम करने वाले भाई हैं, उनका नाम आरिफ है, और आरिफ से डिस्कशन करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, 34 ब्रिज नंबर के बारे में जानेंगे कि आखिरकार कितना काम होगा और कितना टाइम लगेगा इसमें। तो मेरे साथ हैं आरिफ भाई। और आरिफ जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है आरिफ साहब आपका? ठीक ठाक हो? बढ़िया जी। तो आरिफ साहब, मैं आप एक्चुअली काफ़ी मेरे भी उस कमेंट करते हैं कि सर आप कंपनी के कोई रिलेटेड कोई आदमी मिलता है उनसे बात कीजिए, हमें अपडेट दीजिए। तो मैं आज आपसे ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि आखिरकार इस जो 34 ब्रिज ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी जी, कितना टाइम वो लगने वाला है? ये लगभग पूरा होने वाला था जी, ये बारिश के वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी जी। ये जितना भी हम देख पा रहे हैं, ये जितना भी देख पा रहे हो ये बारिश की वजह से खराब हुआ? हाँ, ये बारिश की वजह से खराब हुआ है। एक की हमारी राफ्ट होगी, एक लिफ्ट खराब खड़ी होगी हमारी। अच्छा, इसकी कास्टिंग होने वाली है आज, पानी निकलने लग रहा है। पढ़ली पीसी हमारी जो है कल तैयार हो जाएगी, पानी की वजह से हमारी दिक्कत तो होगी। कुल मिला के देखेंगे तो इस ब्रिज को 34, क्योंकि मैं पीछे से विजिट करते आ रहा हूँ, सारे ब्रिज मैंने कवर कर लिए, बट ये ब्रिज मुझे दिखता है कि इसमें टाइम लगेगा। तो आपके हिसाब से कितना टाइम लग रहा है? क्या आपके और मेरे टाइम में कुछ वेरिएशन होगा? नहीं, हमारे हिसाब से देखो जितनी जल्दीबाजी हम कर रहे हैं, हम तो आगे से कंपनी से आगे काम लिया हुआ है हमारा, वैसा हम जितनी जल्दी कर सके इतनी जल्दी होगा, क्योंकि हमारी मोटर तो ये मान सकते हैं कि महीना डेढ़ महीना लगने वाला है। हाँ, इतना जरूर लगेगा। हाँ। दूसरी बात एक मैं आपसे बड़ी जरूरी समझना थी कि जितना भी ये प्रोजेक्ट रिंग रोड का चल रहा है जी, ये कौन सी कंपनी काम ये है? गायत्री कंपनी है। और गायत्री कंपनी से आगे कॉन्ट्रैक्ट आपने ले रखा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, दूसरी बात एक की आप जब हरियाणा से उठ के यहाँ पे आते हो और हरियाणा से जब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है या कोई लेबर आती है, जितने भी भाई ये देख रहे हैं मुझे और ये सारे भाई हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है, लोकल लोगों का, या कोई सब कुछ अच्छा चलता है यहाँ पे? आनाकानी चलती रहती है? नहीं नहीं जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, रोड का काम भी अच्छा चल रहा है जी। अभी फिलहाल थोड़ा बरसात की वजह से दिक्कत सी थी, लगभग हमारा रोड जो है 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। आरिफ साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ करूँगा, वो ये है कि ये पूरा स्ट्रेच जो रिंग रोड का है कितने किलोमीटर का है? ये हमारा 58 किलोमीटर का है टोटली पूरा। हाँ जी, पूरा 58 किलोमीटर जी।
तो अभी 58 किलोमीटर में हर जगह काम चल रहे हैं। हाँ जी, फिलहाल लगभग इससे जो जीरो से उधर आता है लगभग आधा टुकड़ा तैयार हो चुका है जी। ये थोड़ा हमारा काम बोर्ड बलवाल से ऊपर वाली साइड तो मैंने वो विजिट किया, अभी वहाँ पे बहुत काम है क्योंकि टनल दो निकल रहे हैं उसमें जी, तो जी। उसमें टाइम लगने वाला है। ये वाला मैं अभी तक जो पहुँचा हूँ तो अभी तक ठीक लग रहा है। हाँ, फिलहाल फास्ट से काम शुरू हो गया, मिट्टी मट्टी डल गई है और जल्दी होगा लगभग पूरा रोड हमारा एक साल में डेढ़ साल में तैयार। आरिफ साहब, आपने जो भी बात की बेबाकी से की और बिल्कुल पॉजिटिवपन से बात की, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा और साथ में रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि आप मेरे जो यूट्यूब व्यूअर है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, कुछ अच्छा मैसेज यूट्यूब चैनल? अच्छा बोल लेंगे जी, आप आए, चलो आप काम दिखा रहे हो, अच्छी बात है जी, अगर आप बढ़िया चैनल चले आपका, सही है बात। तो ये थे मेरे साथ आरिफ साहब, जिन्होंने बेबाकी से बात की, और ये साथ में सभी भाइयों को मेरी तरफ से और नेशनल हाईवे की तरफ से गुड लक। आप काम कीजिए, आप अपने ध्यान रखिएगा, खासकर जब वर्क में काम करते हो आप सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिएगा। और ये साथ में मेरे चाचा जी हैं और ये बाजी है हमारे, सत श्रीकाल सबको। तो ये थे व्यूज़ जो मैंने आपको सारे कंटिन्यू कराए। 34 ब्रिज के कुछ स्टाफ था यहाँ पे, बहुत कोऑपरेटिव, और इनके साथ मैंने अच्छी बात की और आपको सारी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और काम की अगर बात की जाए तो मैंने जीरो से लेकर आपको एंड तक सारी डिस्कशन की है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं मिलता हूँ एक छोटे से वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन फिर लेके, तब तक दीजिए अपने भाई सुजान को इजाज़त। शुक्रिया।